हरियाणा पीजीआई रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर रातों रात बच्चों को डिटेन कर लिया गया है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और उन्हें डिटेन कर लिया गया है रात के 2 बजे। क्यों ऐसा हो रहा है कि वहां पर बच्चों को डिटेन कर लिया जा रहा है? क्यों एमबीबीएस के प्रेस्टीजियस बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या है हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी? इन सब के बारे में आसानी से समझते हैं। इनके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्या है जो पिछले 2 साल से इंप्लीमेंट हो रहा है हरियाणा में, हरियाणा की एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी, जिसको बच्चे एक लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि 40 लाख रुपए बच्चों को देने पड़ेंगे अब अगर उन्हें एक प्राइवेट नहीं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है। तो देखिए, आसान नहीं होता है गरीब बच्चों के लिए या फिर मिडिल क्लास बच्चे, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा वो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा एमबीबीएस को करना। तो ये क्या सारा बॉन्ड सिस्टम है, इसके लिए सबसे पहले समझते हैं क्या ये जो बॉन्ड सिस्टम है, ये जो मतलब 40 लाख रुपीज देने हैं या 7 साल के अंदर आपको बॉन्ड की पेमेंट कंप्लीट करनी है, ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे अप्लाई होता है या फिर हरियाणा के हर मेडिकल कॉलेज पे? इसका सिंपल आंसर है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस पे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस का इस बॉन्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और साथ ही में ESIC फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर भी ये बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं होगा, वहां पर बॉन्ड का कोई भी रूल नहीं अप्लाई होगा। देखिए, अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि असल में बॉन्ड पॉलिसी क्या है, बाद में उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। अब ये है MBBS डिग्री कोर्स फीस और लोन पेमेंट, ये कंप्लीट चार्ट है जो बॉन्ड अमाउंट का है। उसके बाद 2 मेथड्स आते हैं हमारे पास, ए और बी, जैसे कि आप एक तो फी पेमेंट कर सकते हैं और एक होता है आप एडमिशन के टाइम पे जो बॉन्ड साइन करेंगे। इसके बाद आप पेमेंट भी 2 मेथड्स में कर सकते हैं, ये होंगे आप एडमिशन के टाइम पे ए और बी, मतलब आप जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके पास 2 मेथड्स हैं कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप पेमेंट करते हैं मेथड ए से तो आपको क्या करना होगा, जो 80,000 अमाउंट है मतलब फी अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, आपको सिर्फ वो पे करना है और जो लोन अमाउंट है 9,20,000 वो गवर्नमेंट आपको खुद प्रोवाइड करवाएगी शेड्यूल बैंक से। अब बच्चों का कहना है कि हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा, लोन हो जाएगा, एमबीबीएस की पढ़ाई करते करते साथ में हमें एक लोन भी देना होगा। तो देखिए, ये तो सच है कि आपके ऊपर वो प्रेशर रहेगा, लेकिन इसको समझते हैं गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके बारे में। देखिए, ये जब है जब आप गवर्नमेंट में सर्विस नहीं देते हैं, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। और किस टाइम से आपको ये लोन पेमेंट देना होगा, देखिए 4.5 ईयर्स की आपकी एमबीबीएस, उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, उसके बाद आप देख लीजिए कि 1 साल आपको मिलता है एक्स्ट्रा टाइम, मतलब इन टोटल आपको मिलते हैं 6.5 साल। 6.5 साल के बाद आप जब एमबीबीएस कंप्लीट कर लेंगे तो उससे अगले ही महीने से आपकी ये इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी और जो टोटल आपकी ऑलमोस्ट 84 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी जो आपको 7 साल के अंदर कंप्लीट देनी होंगी अगर आप ये जो है मतलब नहीं ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट सर्विस हरियाणा के अंदर, कोई सर्विस नहीं करते हैं। ये तो हुआ अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस नहीं कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रहे हैं तो क्या होता है, अब उसको समझते। तो आपको ये जो कंप्लीट फीस है हमारी, मतलब 3,71,000 जो फीस होगी आपको सिर्फ वो देनी है और जो लोन अमाउंट है वो आपका सरकार खुद देगी। मतलब आप अगर हरियाणा की मेडिकल सर्विस के अंदर हैं और 7 साल तक सर्विस करते हैं तो आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको साथ साथ में जो लोन का अमाउंट है वो भी मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फीस देनी है और जो लोन अमाउंट है वो साथ में आपको मिलेगा। मतलब ये तो है अगर आप सर्विस कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो एक काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन था कि क्या हमें हमारी सैलरी मिलेगी या नहीं, क्या होगा। तो देखिए, आपको आपकी सैलरी भी मिलेगी और आपको मिलेगा लोन का अमाउंट, मतलब जो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी मिलती है। तो हुआ ऑप्शन ए, अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो आपको 6.5 साल के बाद ये बॉन्ड का अमाउंट पे करना स्टार्ट करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर 7 साल तक सर्विस करते हैं तो सिंपल है कि आपका जो लोन है, आपका जो बॉन्ड है, वो अपने आप सरकार ही रीपे कर देगी। अगर आप चूज करते हैं ऑप्शन बी, तो सिंपल बी में आपको 1 टाइम पेमेंट करना है, मतलब 10 लाख रुपए आपको एडमिशन के टाइम पे ही देने हैं। जो आपके 9,20,000 लोन का अमाउंट है और जो आपका 80,000 फीस का अमाउंट है वो आपको एक साथ 10 लाख रुपए देने हैं और आपको हर साल ऐसे 10 लाख देके 40 लाख रुपए आपको देने हैं। जो बोला जा रहा है कि 40 लाख रुपए का ये बॉन्ड आ चुका है, हमें 40 लाख रुपए देने हैं, वो ऑप्शन बी में है। अगर आपको एक साथ पेमेंट करने में लोन की जरूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं, तो वो आप खुद प्रोवाइड करें, मतलब खुद अरेंज करें, आपकी गवर्नमेंट इसमें कोई भी हेल्प नहीं करेगी। जैसे ऑप्शन ए में गवर्नमेंट खुद हेल्प करती है आपको लोन दिलवाने। और अब देखिए, अगर आपको लगता है 1 साल की 10 लाख की पेमेंट के बाद कि नहीं मैं तो फंस गया, ऑप्शन ए बेटर था ऑप्शन बी से, तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं। मतलब आप ऑप्शन ए से बी को चूज कर सकते हैं और बी से ए को चूज कर सकते हैं। ये तो वही बात जो गवर्नमेंट ने पूरे बॉन्ड को समझाया कि बॉन्ड असल में क्या है।
तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन बी में 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक साथ, और हो सकता है आप ये 40 लाख की पेमेंट करने के बाद, MBBS करने के बाद PG करना चाहें, या हो सकता है आपको जॉब ना मिले, या हो सकता है आप कहीं और जॉब के लिए चले जाएं। तो अगर आपको एडमिशन लेना ही है हरियाणा के अंदर, तो आपके लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। देखिए, ऑप्शन ए का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आज आपको जो 40 लाख की वैल्यू लग रही है वो 6.5 साल बाद सेम नहीं होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट। मतलब आज जो हमें 40 लाख की वैल्यू है वो उस टाइम नहीं होगी, उस टाइम आपको वो 40 लाख बहुत कम लगेंगे, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी और इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा, तो अमाउंट की वैल्यू आपको कम लगेगी। तो इसलिए आपके लिए सेफ साइड ये रहेगा कि हो सकता है आप बहुत अच्छा, आपको कोई ऑप्शन हो फ्यूचर में तो आप वो ऑप्ट कर लें, तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। ये थी हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी जो MBBS के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है पिछले 2 साल से। मैंने आपको एक इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। जो बच्चे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं पिछले 2 साल से, जो 2 बैचेस ऑलरेडी इसमें इनरोल हो चुके हैं, और जो करंट बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिनको आपको बताइए मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिनको डिटेन कर लिया गया और 15 घंटे के लिए उन्हें डिटेन में ही रखा गया, जब तक कि हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर वहां पर भाषण दे रहे थे PGI के अंदर। अब देखिए, प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, अगर कोई बच्चा MBBS करने के बाद PG करना चाहता है, मतलब वो PG में एनरोल होना चाहता है, वो नहीं करना चाहता MBBS करते ही जॉब, तो उस केस में क्या उस केस में MBBS करने के तुरंत बाद उसके ऊपर ये बॉन्ड की पॉलिसीज अप्लाई हो जाएंगी या उसको PG करने का टाइम दिया जाएगा? तो इसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि वी विल नोटिफाई लेटर, मतलब उन्होंने अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। जैसा मैंने बताया, 2 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 नवंबर 2020 से ये पॉलिसी हरियाणा में लागू हो चुकी है। देखिए, दूसरा जो इस बॉन्ड पॉलिसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है ये कि आपको MBBS करने के बाद जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब ही ना लगे, मतलब आप इतना लोन ले रहे हैं और फिर बच्चों का कहना है कि हम अगर इतना ही लोन हमें लेना है तो हम एक प्राइवेट कॉलेज से भी तो MBBS कर सकते हैं जहां हमारे ऊपर कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, वी कैन लिव फ्रीली, हम बाद में बाहर जाके भी जॉब कर सकते हैं। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट का मोटिव क्या है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि हम बच्चों की MBBS करवाने में उनके ऊपर बहुत करोड़ों का खर्च करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में बच्चे MBBS कंप्लीट होने के बाद बाहर चले जाते हैं सर्विस करने के लिए, जिसकी वजह से स्टेट का लॉस है। अब देखिए, एक बात सोचिए, अब सरकार ने क्या किया कि हम ना जो बच्चे हरियाणा में MBBS करेंगे उन्हीं बच्चों को हरियाणा में ही रख लेंगे और उनसे सर्विस लेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि वो उन्होंने सोचा बॉन्ड से बच्चों को बांध देंगे तो वो 7 साल की सर्विस तो जरूर करेंगे, लेकिन अब हो रहा है कि बच्चे MBBS ही नहीं कर रहे हैं हरियाणा से। मतलब हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जहाँ PGI रोहतक इतना फेमस है कि आप वहां पर एक सीट पाने के लिए मतलब आपको इतना ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, मारामारी होती है, बच्चे बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, अब वहां पर 37 सीट्स हैं AIQ में और उसमें से सिर्फ 3 सीट्स लॉक हुई है। सही सुना आपने, सिर्फ 3 सीट्स लॉक हुई हैं और बाकी सीट्स वेकेंट हैं अभी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ एक MBBS की सीट को पाने के लिए इतना बच्चे स्ट्रगल करते हैं और कहाँ अब सीट्स ही वेकेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लग रहा है अगर वो हरियाणा की इस पॉलिसी में ट्रैप हो जाते हैं तो उनका लाइफ टाइम ट्रैप ही हो जाएगा। मतलब अगर उन्हें कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी तो वो हरियाणा से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें मतलब एट लास्ट ही बॉन्ड का जो अमाउंट है वो पे करना होगा। तो ऐसे प्रोफेशन के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इन चीज़ों को मतलब ईजी करने के लिए सरकार को थोड़ा पॉलिसीज को चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चों को अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ में मतलब उनको एक जॉब सिक्योरिटी या फिर उनको मतलब एक PG के ऊपर एक कॉमेंट करना ज़रूरी है। तो आप होप आपको ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स इशू है जो अभी हो रहा है, जो एक बच्चे फेस कर रहे हैं, वो क्या है, बॉन्ड पॉलिसी क्या है, हरियाणा में क्या चल रहा है, क्यों बच्चों को डिटेन किया गया, अगर सब कुछ आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे कंटिन्यू बने रहें ताकि आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज ईजी लैंग्वेज में समझ आ सके और आप अप टू डेट रहें करंट अफेयर्स के साथ।